गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, अब मैं आपको क्लास सेकेंड का एसएसटी पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर थर्ड, ध्यान से देखिएगा। चलिए, ये आपका चैप्टर नंबर क्या है? थर्ड है। आपके लेसन्स का नाम है वी नीड फूड, हमें भोजन की जरूरत है। हमें भोजन की क्या है? जरूरत है। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। दिया है व्हेन यू कम बैक फ्रॉम स्कूल, जब आप स्कूल से घर वापस आते हो, डू यू फील टायर्ड एंड हंग्री, तो आप अपने आप को थका हुआ और भूखा महसूस करते हो। What do you do then? तब आप क्या करते हो? You wash your hands and eat your food. तो आप अपने हाथों को धोते हो और अपना भोजन खाते हो। We all eat food to live. तो हमें जीवित रहने के लिए क्या करते हैं? हम सभी जीवित रहने के लिए भोजन करते हैं। It give us energy to work and play. यह क्या करता है? काम करने और खेलने के लिए हमें ऊर्जा देता है। ईट हेल्प अस टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, यह क्या करता है? यह हमें मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड एवरी डे, हम हर दिन अलग अलग प्रकार के भोजन को खाते हैं। वी ऑल रिक्वायर फूड, हमें सभी प्रकार के भोजन की जरूरत है। बिकॉज, क्योंकि। आगे पढ़ते हैं। इट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, यह काम करने और खेलने के लिए हमें ऊर्जा देता है। इट हेल्प अस टू ग्रो, यह हमें बढ़ने में क्या करता है? मदद करता है। इट कीप्स अस हेल्दी, यह हमें स्वस्थ बनाए रखता है। आगे चलते हैं। इट कीप्स अस स्ट्रांग, यह हमें मजबूत रखता है। टाइप्स ऑफ फूड, भोजन के प्रकार। वी गेट फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम पौधे और जानवर दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फूड, इसलिए कई प्रकार के भोजन होते हैं। दे हेल्प अस इन डिफरेंट वे, वे अलग अलग तरीकों से हमारी मदद करते हैं। फूड लाइक शुगर, राइस, ब्रेड्स, बटर एंड पोटैटोज गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, भोजन जैसे चीनी, चावल, ब्रेड यानी रोटी, मक्खन और आलू हमें काम करने और खेलने के लिए ऊर्जा देते हैं। फूड लाइक पल्सेज, मीट, फिश एंड एग्स हेल्प अस टू ग्रो, भोजन जैसे दालें, मांस, मछली और अंडे हमें बढ़ने में मदद करते हैं। आगे चलते हैं। ये आपको फिगर दिखा दिया। बॉडी बिल्डिंग फूड है इधर, इधर एनर्जी गिविंग फूड है। अब आगे देखिए, ये प्रोटेक्टिव फूड है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, फल और सब्जियां हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। फूड कैन बी ईटन बोथ कुक्ड एंड रॉ, भोजन पका हुआ और कच्चा दोनों खाया जा सकता है। ऑल फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स कैन बी ईटन रॉ, सारे फल और कुछ सब्जियां कच्चे खाए जा सकते हैं। पल्सेज, राइस, मीट एंड फिश आर सम एग्जाम्पल ऑफ फूड, दालें, चावल, मांस और मछलियाँ भोजन के कुछ ऐसे उदाहरण हैं दैट हैव टू बी कुक बिफोर ईटिंग, जिनको हमें खाने से पहले क्या करना होता है? पकाना होता है। अब आगे चलते हैं। मिल्क मेक आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रांग, दूध हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करते हैं। फूड सच एज कॉटेज चीज एंड कर्ड आर मेड फ्रॉम मिल्क, देखो भोजन
जैसे कि घर पे बना हुआ पनीर हो, और दूध दूध से बना हुआ, जो हम घर पे पनीर बनाते हैं, घर पे बना हुआ पनीर और दही दूध से बनाया जाता है। दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ, वे हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। आवर फूड शुड बी क्लीन एंड फ्रेश, हमारा भोजन साफ सुथरा और ताज़ा होना चाहिए। वी शुड कीप आवर फूड कवर टू कीप अवे कॉकरोच फ्लाइज रैट्स एंड डस्ट, हमें अपने भोजन को कॉकरोच, तिलचट्टा, मक्खियाँ, घर वाली मक्खियाँ, चूहों और गंदगी से बचाने के लिए उसको क्या करके रखना चाहिए, ढक के रखना चाहिए। डर्टी फूड कैन मेक अस इल, गंदे भोजन हमें क्या डालते हैं, बीमार डालते हैं। आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव 3 मील्स अ डे, अधिकांश तो लोग एक दिन में 3 टाइप का भोजन करते हैं। जैसे वी मस्ट ट्राई टू हैव दीज मील्स एट फिक्स टाइम एवरी डे, हमें हर दिन एक निश्चित समय पर इन व्यंजनों को खाने की कोशिश करनी चाहिए। पहला दिया है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट दिस इज यूजुअली द फर्स्ट मील ऑफ द डे, यह वास्तव में दिन का पहला भोजन होता है। द मील टेकन इन द मॉर्निंग इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट, यानी सुबह में लिया गया भोजन, यानी खाया गया भोजन क्या कहलाता है, ब्रेकफास्ट कहलाता है। अब आगे चलते हैं। लंच, द मील टेकन इन द आफ्टरनून इज कॉल्ड लंच, यानी दोपहर के समय लिया गया भोजन क्या कहलाता है, लंच कहलाता है। अब आगे चलते हैं। दिस इज यूजली द लास्ट मील ऑफ द डे एट नाइट, यह वास्तव में रात में लिया गया क्या होता है, भोजन होता है। द मील टेकन एट नाइट इज कॉल्ड डिनर, मतलब रात में ली गई भोजन क्या कहलाता है, रात में लिया गया भोजन डिनर कहलाता है। गुड ईट ईटिंग हैबिट्स, आगे यहाँ पे दिया हुआ है, खाना खाने की अच्छी आदतें, खाना खाने की अच्छी आदतें क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। ईट योर मील्स एट फिक्स टाइम, हमें निश्चित समय पर भोजन करना चाहिए। ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड, हमें साफ सुथरा और ताज़ा भोजन करना चाहिए। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईच मील, देखो हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, बिफोर दिया है ना, बिफोर एंड आफ्टर ईच मील, मतलब हर भोजन के, यानी भोजन के करने से पहले और करने के बाद हमें अपने हाथों को क्या करना चाहिए, धोना चाहिए। फिर आगे दिया है च्यू योर फूड वेल, हमें अपने भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। अवॉइड ओवर ईटिंग, अधिक खाने से बचें। ट्राई नॉट टू वेस्ट फूड, मतलब भोजन को बेकार करने की यानी बर्बाद करने की कोशिश ना करें। अवॉइड ईटिंग स्ट्रीट फूड, यानी गलियों में बेचे जाने वाले भोजन को ना करें। आगे दिया है बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। अ बैलेंस डाइट हैज ऑल द न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, एक संतुलित आहार में हमारे शरीर को जरूरत सारे पोषक तत्व होते हैं। फिर हम इसमें आगे चलते हैं। वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, इन शाकाहारी और मांसाहारी। पीपल हु ईट ओनली प्लांट्स प्रोडक्ट एंड कंज्यूम मिल्क आर कॉल्ड वेजिटेरियन, वे लोग जो केवल पौधों द्वारा उत्पन्न भोजन और दूध की खपत करते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। हम आगे चलते हैं। पीपल हु ईट फिश मीट एंड एग्स इन एडिशन टू द प्लांट प्रोडक्ट, वह लोग जो पौधों से उत्पन्न भोजन सहित मछली, मांस और अंडे को खाते हैं और दूध पीते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नॉन वेजिटेरियन कहलाते हैं, यानी मांसाहारी। तो चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ अब चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका क्वेश्चंस, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, ध्यान से देखिए इधर। अब आगे चलते हैं।
दिखाई नहीं दे रहा है तो पास में ला दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए इसको। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन आंसर की तरफ देखिए। अब आगे है, पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा और ऊपर मैं ये साफ कर दे रहा हूँ, इसको देख लीजिए। धन्यवाद।